तो भाई जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपसे ये कहा था कि ये पूरे तरीके से कंफर्म्ड है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में यानी अगली की अगली आईपीएल में मुंबई के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इस साल भले ही खेलते हुए दिख जाएं, क्योंकि उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है मुंबई इंडियंस के साथ। यही रीजन है कि मुंबई इंडियंस ने भी ऑलरेडी ये ऑफिशियली बयान दे दिया है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में तो मुंबई से ही दिखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अगर सच में रोहित शर्मा ने स्व इच्छा से कप्तानी छोड़ी होती, अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी होती, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से देखने को तो जरूर मिलता ना। कोई वीडियो देखने को नहीं मिली, कोई स्टेटस देखने को नहीं मिला, कोई स्टोरी देखने को नहीं मिली, कोई पोस्ट देखने को नहीं मिली। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी दिक्कतें रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के बीच चल रही है। अभी मजबूर है रोहित शर्मा मुंबई से खेलने के लिए, लेकिन साल 2025 में जब मेगा ऑक्शन होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी रोहित शर्मा का खत्म हो जाएगा। जबरदस्ती मुंबई जो है रोहित शर्मा को टीम में नहीं रोक पाएगी और उसके बाद रोहित शर्मा 100% किसी ना किसी और टीम से देखने को जरूर मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे ही टॉपिक पे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले के अगले साल या फिर अगर इस साल भी रोहित शर्मा किसी वजह से मुंबई की टीम से निकलते हैं तो वो कौन सी चार टीमें हैं जिसमें 100% गारंटीड मैं आपको बता रहा हूं इसी टीम में रोहित शर्मा जाएंगे। इन चार टीम के अलावा कहीं भी रोहित शर्मा नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इन चार टीमों में रोहित शर्मा की जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चार टीमें कौन सी हैं, बताता हूं। पर उससे पहले भाई देखो, आईपीएल आने में तो वक्त है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्रिकेट की फील्ड में कुछ चल नहीं रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारी सीरीज चल रही हैं। यानी कि आपके पास है बहुत सारा मौका, बहुत सारे पैसे बनाने का, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फैंटेसी टीम बनाने का, प्रेडिक्शन वगैरह करने का। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि भाई इतने सारे मैचेस देखता कौन है? आजकल तो इंडिया के मैचेस भी इतने बोरिंग हो रहे हैं, उसको भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो पता कैसे चलेगा? अगर ड्रीम 11 वगैरह पे टीम बना रहे हैं तो रखे किनको? तो आ चुके हैं आपकी मदद करने प्रिंस भाई, जिनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे। कुछ भी नहीं करना है, जाके या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली व्हाट्सएप करो और कह दो कि आज के दिन जितने भी मैचेस हो रहे हैं सारे मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दीजिए। बस फ्री में प्रेडिक्शन उठानी है, मस्त टीम वगैरह बनानी है, मस्त प्रेडिक्शन वगैरह करनी है, और मस्त भैया बिना मैचेस देखे, बिना मैचेस की ज्यादा इंफॉर्मेशन रखे प्रिंस भाई से सारी प्रेडिक्शन उठा के मस्त, जैसा मैंने कहा, पैसा कमाना है। बाकी भाई देखो, हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए, हमने तो अपना काम कर दिया है, आराम से पैसा कमाने का क्या तरीका है ये भी बता दिया है। तो आइए अब अपना असली खेल शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि रोहित शर्मा जब मुंबई इंडियंस को छोड़ेंगे, चाहे इस साल चाहे इस साल के अगले साल, तो आखिर वो कौन सी टीमें होंगी जिसमें रोहित शर्मा जा सकते हैं। तो सबसे पहली टीम यहां पे जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। कुछ लोग यहां पे कह सकते हैं भाई सच में? तो हां भाई, सच में। हां ठीक है, मुंबई इंडियंस सीएसके की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, दोनों वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? जब टीम ने रोहित शर्मा के बारे में नहीं सोचा तो रोहित शर्मा इन सब बेकार की बातों के बारे में क्यों ही सोचेंगे? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर रोहित शर्मा सीएसके में क्यों जा सकते हैं, तो भाई बहुत बड़ी बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह तो यह है कि जैसे ही रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया गया था, तो जिस फ्रेंचाइज ने रोहित शर्मा को ट्रिब्यूट दिया था वो कोई और नहीं, वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। इसके अलावा एक लंबे वक्त तक हमें किसी भी और फ्रेंचाइज की तरफ से ना ही कोई पोस्ट देखने को मिली, ना ही कोई स्टोरी देखने को मिली, ना ही कोई वीडियो वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन चेन्नई ने एक बहुत ही कमाल की ट्रिब्यूट वीडियो कैप्टन रोहित शर्मा, कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के लिए बनाई थी, जिसके बाद से लोगों को हल्का हल्का ये लग रहा था कि कहीं मुंबई को छोड़ के अगला जो स्टेप है रोहित शर्मा का वो चेन्नई में ही आने का तो नहीं है। क्योंकि हमने एक और चीज नोटिस करी थी कि चेन्नई ने जो ट्रिब्यूट वीडियो बनाई थी उस पे जो कमेंट आया था वो रोहित शर्मा की वाइफ का था, इसके अलावा कोई भी और टीम ने कुछ भी कमेंट नहीं करा था। तो ऐसा लोगों को लगने लगा था कि शायद रोहित शर्मा चेन्नई में जाने वाले हैं। आपने नोटिस करा होगा कि जब ये खबर आई थी कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिया गया है, तो चारों तरफ रोहित शर्मा की सीएसके की जर्सी में फोटो शेयर होने लगी थी। हाँ, ऑब्वियसली एडिटेड फोटो थी, लेकिन वो फोटो भी शायद चारों ओर हवा में इसीलिए उड़ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि रोहित शर्मा अब जाएंगे तो सीएसके में ही जाएंगे। बाकी देखो, रोहित शर्मा चेन्नई में इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि धोनी जो है वो बहुत चांसेस है कि अब अगली मतलब कि 2025 की आईपीएल तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ऐसे में चेन्नई को चाहिए होगा एक बहुत बड़ा नाम, जैसा नाम है
एमएस धोनी का था। हाँ, रोहित शर्मा उतना बड़ा नाम भी नहीं है, लेकिन भाई कितना बड़ा नाम है ये हम सब जानते हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरत चेन्नई को होगी वापस एक शानदार कप्तान की। तो ऐसे में धोनी के बाद रोहित शर्मा से अच्छा ऑप्शन आखिर क्या ही हो सकता है। हाँ, गायकवाड़ को माना जा रहा है कि वो धोनी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन भाई एक्सपीरियंस उनको कप्तानी में उतना भी नहीं है जितना धोनी को हुआ करता था और जितना रोहित शर्मा को है आईपीएल में। तो चेन्नई के लिए इससे अच्छा आखिर क्या होगा कि रोहित शर्मा धोनी के जाने के बाद टीम में आए, अपने अंडर गायकवाड़ को थोड़ी सी मेंटरशिप दें, उसके बाद जब 2-3 साल बाद रोहित शर्मा क्रिकेट से रिटायरमेंट ले या फिर आईपीएल से रिटायरमेंट ले तो मस्त गायकवाड़ को कप्तान बना के जाएं। किस किस को लगता है या फिर पूछूं कि कौन कौन चाहता है रोहित शर्मा धोनी के जाने के बाद चेन्नई की कप्तानी संभालें, जिसको भी ये लगता है या जो भी ये चाहता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं अगली टीम वो कौन सी है जहां रोहित शर्मा जा सकते हैं कैप्टन के तौर पे, तो वो है नन अदर देन सनराइजर्स हैदराबाद। देखो, जब रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाया गया था तो ये खबरें आई थी कि एसआरएच ने शायद रोहित शर्मा को यहां पे अप्रोच कर रखा है। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि भाई ये जो अप्रोच करने वाली हरकतें होती है ना, इसकी कभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आती भी नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बहुत बड़ा रीजन देता हूं कि क्यों यहां पे एसआरएच रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल कर सकता है, क्योंकि डेविड वार्नर के जाने के बाद एसआरएच ने जिस एक चीज को लेके सबसे ज्यादा स्ट्रगल करा है वो एक चीज है लीडरशिप। जब से वार्नर गए हैं तब से भैया कैप्टेंसी के मामले में एसआरएच हगे जा रहा है। वरना जब तक वार्नर थे तो सबसे पहले तो साल 2016 में एसआरएच को विजेता बना दिया था, जहां लीड किया था उन्होंने एकदम फ्रंट से 848 रन मार के। उसके बाद 2018 में एसआरएच को रनर अप बनाया, 2019 और 2020 में वार्नर एसआरएच को प्लेऑफ में तक ले गए, लेकिन उसके बाद साल 2021 थोड़ा सा खराब गया। चलते हुए सीजन में वार्नर को हटा के विलियमसन को कप्तान बनाया गया और एसआरएच उस सीजन में लास्ट पोजीशन पे आई। फिर साल 2022 में विलियमसन के अंडर ही एसआरएच 10 टीमों में से 8वीं पोजीशन पे रही। उसके बाद जब मरकरम ने एसआरएच को एज अ कैप्टन ज्वाइन किया तो वापस से एसआरएच की जो पोजीशन रही वो पॉइंट्स टेबल पे लास्ट रही। यानी ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि एसआरएच के जो पिछले 3 सीजन रहे हैं वो पूरे तरीके से डिजास्टर रहे हैं। ऐसे में एसआरएच बस एक ही चीज चाहती है कि भाई एक बड़ा कप्तान आए। इवन एसआरएच रोहित शर्मा को इसलिए भी शामिल कर सकती है क्योंकि भाई कोई बड़ा नाम आपके साथ ज्वाइन होता है ना तो अपने आप आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। जब से डेविड वार्नर एसआरएच को छोड़ के गए हैं ना तो फैन फॉलोइंग भी जो है एसआरएच की वो बहुत नीचे आ चुकी है। कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं है जिसको सोच के लोग सपोर्ट करें, क्योंकि भाई कहे जो भी लोग, भले ही ये सारी टीमें शहर के नाम है, स्टेट्स के नाम है, सिटी के नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सत्य तो ये है ही कि सपोर्टर्स जो आते हैं, फैन फॉलोइंग जो आती है, वो उस टीम में खेल रहे प्लेयरों की वजह से आती है। ऐसे में रोहित शर्मा को अगर एसआरएच अपने तरफ खींच ले जाती है तो सिर्फ एक अच्छा कप्तान नहीं मिलेगा बल्कि भर भर के भैया फैंस मिलेंगे। अब देखो, ऐसी ही एक और टीम है जिसको रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब ये लोग तो भैया प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कुछ भी करके रोहित शर्मा हमारे पास आ जाएं, क्योंकि इनका हाल तो एसआरएच से भी बुरा है लीडरशिप के मामले में, कैप्टेंसी के मामले में। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पंजाब किंग्स 11 की। इस बारे में देखो कोई शक नहीं है कि पंजाब का आईपीएल इतिहास में सबसे घटिया, सबसे वाहिया ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम साल 2008 को छोड़ दें जहां पंजाब सेमीफाइनलिस्ट रही थी, और साल 2014 को छोड़ दें जहां पंजाब रनर अप रही थी, उसके अलावा सारे ही सीजन को अगर हम कंसीडर करें तो पंजाब जो है वो प्लेऑफ में तक नहीं पहुंची है। 2019 से लेकर 2021 तक 6 पोजीशन पे रही, फिर 2022 में भी जब 10 टीमें आ गई थी वहां पे भी पंजाब 6 पोजीशन पे ही रही। सबसे बड़ा रीजन जो माना गया है पंजाब के इस लगातार फेलियर का, वो पता है क्या है कि इनको कभी भी एक इंस्पिरेशनल कैप्टन नहीं मिला है। अगर हम सारे इनके कैप्टन्स को देखें, अभी धवन है, उससे पहले कभी केएल राहुल थे, कभी अश्विन थे, कभी मयंक अग्रवाल थे, मतलब भैया सीजन दर सीजन ये लोग कैप्टन बदलते रहते हैं, लेकिन कभी भी इनको कोई बहुत बड़ा कप्तान नहीं मिला। इसीलिए बहुत ही बोरिंग सी टीम दुनिया के सामने नजर आती है और खेलती भी इसीलिए बहुत ही बोरिंग सी है। तो इस बात में देखो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर रोहित शर्मा पंजाब को ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे पहले तो पंजाब को एक बहुत ही कमाल का लीडर मिल जाएगा, जो असल में आपको इंस्पायर करेगा और ज्यादा बेहतर करने के लिए। और भाई जो बंदा 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जिता के आपकी टीम में आएगा, अब भले ही आपने जिंदगी में एक भी ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर एक आग भड़कने लगेगी कि ये तो भाई जिता ही देगा, इसके लिए तो अब जीतना ही है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि वो जो
एक फैन फॉलोइंग वाला फैक्टर है, वो तो आना ही आना है। अब आता है उस लास्ट टीम का नाम जिसको ज्वाइन कर सकते हैं रोहित शर्मा साल 2025 की आईपीएल से जस्ट पहले। भाई ये नाम सुन के तुमको झटका लग सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो संभल के सुनना, मैं बात कर रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। अगर आप सोच रहे हैं कि यार रोहित शर्मा आरसी में क्यों आएंगे, तो भाई बहुत ही सिंपल सा रीजन है, डू प्लेसिस की इस आईपीएल में जो एज लगभग हो जाएगी 39 के करीब हो जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल है कि वो 40 साल में अगला सीजन खेलें, और अगर खेलें भी तो ये भी बहुत कम चांसेस है कि आरसीबी उनको रिटेन करे मेगा ऑक्शन से पहले। क्या वो इतने बड़े नाम रहेंगे, क्या वो इस तरीके की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में डिलीवर कर पाएंगे कि एक अच्छा खासा अमाउंट उन पे इन्वेस्ट करके उनको रोका जाए, ये जानते हुए भी कि भाई इनके अंदर अब एक दो साल से ज्यादा क्रिकेट नहीं बचा है, मतलब 42 साल तक भी खेल गए तो भी भाई और दो साल ही खेल पाएंगे, तो ऐसे में क्या आरसीबी नहीं सोचेगी डू प्लेसिस को रहने देते हैं, रोहित शर्मा जो अपनी टीम को छोड़ना चाहते हैं उनको टीम में लेके आ जाते हैं, क्योंकि भाई ऐसा अगर हो गया सबसे पहले तो आरसीबी को कैप्टन मिल जाएगा विराट कोहली। हाँ शानदार कैप्टन है, लेकिन वो फिलहाल कैप्टनसी नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने आईपीएल में तो पूरा हंसते हंसते एकदम अपनी इच्छा से कैप्टनसी छोड़ी है। और दूसरा फैक्टर देखो, अगर रोहित शर्मा आ गए आरसीबी में तो भाई तुम आरसीबी की फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हो, ऑलरेडी जिस फ्रेंचाइज की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है वहां जब विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ खेलेंगे ना भाई, ब्लास्ट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, देश पागल हो जाएगा। जरा सोच के देखो वो तस्वीर कैसी होगी, वो दृश्य कैसा होगा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ आईपीएल ट्रॉफी उठा रहे होंगे। हाँ सपना तो इन दोनों को एक साथ वर्ल्ड कप उठाते हुए देखने का है, लेकिन यार आईपीएल ट्रॉफी भी साथ में उठाएंगे तो खुशी तो बहुत होगी ना। तो कुल मिला के मैंने आपको तो ये बता दिया है कि वो कौन सी चार टीमें हैं जिसमें जा सकते हैं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने के बाद। अब आप लोग बताइए, आप इन चारों टीमों में से या फिर जो भी टीमें हैं, जितनी भी टीमें हैं, उन सभी टीमों में से किस टीम में आप रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं? मुंबई इंडियंस का नाम आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जब वो मुंबई इंडियंस को छोड़ के जाएंगे तब वो आखिर कहां जाएंगे। तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, चेन्नई, एसआरएच, पंजाब, आरसीबी। इसके अलावा किसी और टीम में अगर आप देखना चाहते हैं और आपके पास एक वैलिड रीजन है कि वहां क्यों जाना चाहिए रोहित शर्मा को, मुझे तो कोई बहुत रीजन नहीं मिला इन चार टीमों के अलावा, लेकिन अगर आपके पास है रीजन तो उस रीजन के साथ कमेंट बॉक्स में उस टीम का नाम मेंशन कर दीजिएगा। बाकी देखो तुम लोग कुछ कहोगे कि यार मुंबई इंडियंस में ही रहना चाहिए, लेकिन मैंने यहां पे आपको बहुत ही एक बड़ा रीजन बताया है कि क्यों बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई में ही टिके रहें। खैर जैसा मैंने कहा, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा भाई, बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, भड़ाभड़ मैचेस चले जा रहे हैं, कुछ ही दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच भी शुरू होना है, तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से जाके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, और भाई टीम वगैरह बना के उनके टेलीग्राम चैनल और उनके व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके फ्री में सारी प्रेडिक्शन उठा के, जैसा मैंने कहा टीम वगैरह बना के मस्त प्रेडिक्शन वगैरह करके पैसा कमाने का हम कमा रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, पर एक मर्जी आपकी हो या ना हो उसे मेरी मर्जी मान के पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करने के लिए मैंने आपको कह ही दिया क्या कमेंट करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके चीख चीख के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ही करिएगा, नहीं देख रहे तो वैसे भी कैसे करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।